जो है हमारी टाटा की नेक्सॉन ईवी जो है चार्ज हो रही है। अगर आप ड्राइविंग पैटर्न करेंगे ठीक तो रेंज ज्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है। ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली है एंड जो गाड़ी हम लोग आज कवर करें वो मेरे ही अपार्टमेंट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर दीपेश की है। एंड गाड़ी कौन सी है ये तो आपने कैप्शन देके पढ़ लिया होगा एंड जान लिया होगा। तो करते हैं सीधी बात गाड़ी के ओनर से एंड फिर आपको दिखाएंगे गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देंगे कि 2021 में दिल्ली में रह के आपके पास एक ईवी है तो आपके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है। अल्टीमेटली आपको आज के डेट में एक कार अगर आप चेंज करने की सोच रहे हो तो ईवी की ओर जाना चाहिए या फिर नॉर्मल पेट्रोल या डीजल की ओर, ये सब चीज़ें जो है एक ओनर से जानेंगे। सो आज हम आए हैं मिस्टर दीपेश के साथ जो कि एक नेक्सॉन ईवी के ओनर है। नेक्सॉन ईवी का ये मेरे ख्याल से एक्सजेड प्लस वेरिएंट है। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपेश है, मैं यहाँ द्वारका में रहने वाला हूँ और मैंने रिसेंटली ये गाड़ी ली है। पहले इससे पहले मेरे पास वर्ना ऑटोमेटिक थी, उसको मैंने 5 साल चलाया। अब मैंने ईवी पे स्विच करने का फैसला किया था एज़ कि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है। उस मामले में मैं करीबन ऑन एन एवरेज 400 किलोमीटर चलाता हूँ एक हफ्ते में, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मेरे को ईवी ले लेनी चाहिए ताकि मैं उसकी कॉस्ट कुछ पेट्रोल की कम कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने एक ईवी ली। दीपेश, तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस गाड़ी में आपको जो है ये रंग ही क्यों मतलब पसंद है। दिल्ली में मेरे ख्याल से ये कुछ है कि वाइट के ऊपर जाते हैं लोग। इसमें सिर्फ 3 ही कलर अवेलेबल हैं, एक ब्लू है, एक सिल्वर है और एक वाइट है। वाइट दरअसल मेरा मिथ है शायद कि वाइट में ज़्यादातर टैक्सी चलती हैं तो इसलिए मैंने वाइट रिकमेंड किया अपने लिए। सिल्वर कलर की ऑलरेडी मेरे पास वरना पहले थी और मेरे पास एक वैगन आर भी है, वो भी सिल्वर है, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लेने का इस बार प्लान किया। तो ये डार्क रंग जो है आपको मतलब मेंटेन करने में तकलीफ नहीं होती है? अभी तो हफ्ता ही हुआ है मेंटेन करने में, क्या वो तो नहीं मतलब जो इस पे है ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मतलब रेत धूल डस्ट थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा जमता है, बट हमारे पास जो साफ करने वाले हैं वो रेगुलर करते हैं। ओके, तो आपने मतलब गाड़ी पे कुछ प्लानिंग है कि आप इस पे पीपीएफ या तो सिरेमिक कोटिंग कुछ? देखिए, अभी मैंने इसके ऑटोफॉर्म से मैट्स और सीट कवर ऑर्डर किए हुए हैं। ऑनलाइन किया है आपने? ऑर्डर ऑनलाइन किया है, देहरादून से बनकर स्पेशल गाड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद मैं इसको ड्राई क्लीन कराकर और इसके ऊपर एक रबिंग पॉलिशिंग कराकर फिर इसको बिल्कुल एकदम रेडी करूंगा। बहुत जरूरी। ये गाड़ी आपको टोटली ऑन रोड कितने की आई? ये 16,20,000 के आसपास मेरे को। अच्छा, और ईवी लेने के लिए शायद गवर्नमेंट से कुछ रिबेट्स भी है? रिबेट्स के लिए आपको सब्सिडी का फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा, मेरे ख्याल से टाटा वालों ने अभी भर दिया होगा, आज में जो उसका अपडेट भी लेना है। अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा आएगा? 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख जो है आपके अकाउंट में आएगा। तो अभी के लिए हम लोग एक गाड़ी का वॉक अराउंड लेंगे एंड गाड़ी में क्या क्या हमें मिल रहा है इस प्राइस पर 16 लाख रुपए दे के फीचर्स के मतलब हिसाब से कंपैरेटिव है कि नहीं बाकी कार्स के लिए 16 लाख के रेंज में, जैसे कि 16 लाख में आज के डेट में आपको क्रेटा, वरना, सेल्टॉस एंड नेक्सॉन की पेट्रोल डीजल वो सब भी आ जाती है। इसमें कौन कौन से फीचर्स दिए हैं थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। DRL आर वेरी स्टनिंग एंड ये ईवी का शायद DRL जो है ये कुछ थोड़ा सा चेंज है, पेट्रोल और डीजल में शायद एक सिंगल लाइन आती है, इसमें दो आती है। आई गेस ईवी में ये जो ब्लू लाइन है ये जो एक्सक्लूसिव फॉर ईवी, ये जो है ईवी की एंड ईवी की जो बैजिंग है ऑन द फ्रंट एंड ऑल्सो ऑन द रियर है। गाड़ी में फॉग लैम्प्स भी आते हैं फ्रेंड्स एंड फॉग लैम्प्स आई गेस आर हैलोजन टाइप एंड दी हेडलाइट्स जो कि टॉप एंड में है लक्स जो है उसमें आपको LED मिलते हैं। दी कार कम्स विथ स्टैंडर्ड 16 इंचेस अलॉय व्हील्स विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड टायर का जो है प्रोफाइल दैट इज MRF का है, दिस इज़ अ वेंडरर सीरीज एंड द टायर्स आर ट्यूबलेस एंड टायर का जो
प्रोफाइल है, दैट इज़ 215/60R16 जो कि क्रेटा के एसएक्स में जो आता है 16 इंच के साथ, वो सेम ही है वो टायर। एंड टॉकिंग अबाउट दी बैजेस, यू गेट एन ईवी बैज राइट ऑन दी फ्रंट डोर, ऑन दी लेफ्ट साइड यू गेट ब्लैक एंड मिरर्स, एंड द रूफ इज़ कम्प्लीटली वाइट। आई थिंक इट्स अ ड्यूअल टोन। एंड गाड़ी में आपको जो है फ्यूल लिड का जो है वो भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे शायद से चार्जर फिट होता है, इसमें फ्यूल का नहीं। ऑन द रियर यू गेट अ बैज ऑफ सिप्ट्रॉन एंड नेक्सन की जो बैजिंग है राइट ऑन द बैक ईवी, एंड जो टेल लैम्प्स है दोज आर कम्प्लीटली एलईडी इक्विपमेंट्स, एंड एक मतलब ट्रायंगुलर शेप है कार में, बहुत सारे कर्व्स एंड एजेस। ये नीचे शायद से ये रिफ्लेक्टर है, बट यू कैन फिक्स अ DRL टाइप समथिंग हियर। एंड द टायर्स आर वेरी ब्रॉड, आई थिंक द रोड ग्रिप इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी ऑसम। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर पे, जो कि बहुत ही प्रीमियम से एक फील दे रहा है। एंड आई थिंक इस कार में इंटीरियर में जो भी इम्पॉर्टेंट नीड्स है वो हर चीज़ है। आई कैन सी राइट ऑन द डैश देर इज़ अ फ्लोटिंग टाइप टच स्क्रीन विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। एंड ये कोई मतलब है नहीं कि मतलब ईवी कार है तो आपको अंदर आके बिल्कुल अजीब सा फील होगा। इट लुक्स एब्सोल्युटली लाइक ए नॉर्मल कार। आपके पास गियर शिफ्टिंग के लिए वो नहीं है, बस एक डायल है, देर इज जस्ट अ नॉब विच शोज ड्राइव मोड्स देयर, DNR and S। आई थिंक द S इज फॉर द स्पोर्ट्स मोड। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड हर चीज़ जो है इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है। जब भी आप जैसे AC के कंट्रोल से आप अगर उसको ज़्यादा या कम करते हैं तो जो है वो स्क्रीन पे आता है। ये कुछ न्यू जो है टाटा ने हमारे साथ किया है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि राइट हैंड साइड में यू गेट अ स्पीडोमीटर एंड there is a tachometer on the left hand which is completely digital। so Dipesh, aap hame ye bataye ki is gaadi mein interior mein aapko koi bhi cheez jo hai kami ya fir missing feel hoti hai? dekho abhi tak to mujhe koi zyada missing feel hua nahi। main isse pehle Verna chalata tha, that was a premium car। to jab maine isko switch kiya aur maine iski test drive bhi sirf ek hi baar li thi और उसके बाद जब मैं इसमें बैठा तो मुझे वरना से थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ। इसमें उससे ज़्यादा थोड़े से ऑप्शन मुझे दिखे, जैसे टच स्क्रीन में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कुछ इसमें आपको गाड़ी बताती है कि मैं इतना किलोमीटर चलूंगी और इतना आप। अच्छा, मतलब आपके पास जो थी वरना इट वाज नॉट हैविंग द फ्यूल कंजम्पशन, वो नहीं था एवरेज, वो एक एवरेज बताती थी कि मैं इतना एवरेज दे रही हूँ। इसके अंदर बैटरी आपको फ्लो बताएगी कि मैं बैटरी रिचार्ज कर रही हूँ, रीजनरेट कर रही हूँ, बैटरी रीजनरेट हो रही है। ओके ओके, सो इसमें एक है ऑप्शन कि आपकी जो बैटरी है वो चलते चलते भी चार्ज, रीजनरेशन का है ऑप्शन, राइट? वो भी एक थोड़ा ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। 50-60 के रेंज में चलाएं तो वो भी एक वो भी आती है। टाटा ने शायद से क्लेम किया है ये सिंगल चार्ज पे 100% पे आएगा 300 किलोमीटर तक दे सकती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? 300 तो नहीं, मेरे को लगता कि वो एक रेंज है जो आम बंदा निकाल पाएगा इससे। मेरे को लगता है कि आप इसको 200-250 के बीच में आप दिल्ली में ट्रैफिक में और आप अगर जो है हाईवेज पे जाते हो, अगर हाईवेज पे चले गए तो माइट बी इसके कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आप 270 तक 260 तक ऐसे भी निकाल। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स भी है ये टाटा ने आपसे कंफर्म किए, राइट? हां, मेरा एक अपडेट पेंडिंग है, सबसे पहला वाला जो कि 1000-1500 किलोमीटर के बीच में होगा। अच्छा, तो वो अभी मेरी गाड़ी उतनी चली नहीं है तो मैंने वो अभी। अच्छा अच्छा, आपकी कार अभी रन कितनी हो गई है? मेरी कार रन हुई है 427 किलोमीटर। अच्छा, सिर्फ 400 ही हुआ है। एंड हम ये जानना चाहेंगे, जैसे नॉर्मल पेट्रोल या डीजल में कंपनी रिकमेंड्स अस कि हर 10,000 किलोमीटर पे एक जो है शोरूम में आपको ले जाके सर्विसिंग की जो है नीड, वो ये कार में आपको मतलब क्या है, मतलब टाटा वालों ने आपसे क्या कहा है? देखिए, इसमें 10,000 किलोमीटर के बाद नहीं होती सर्विस, इसके अंदर आपको 7,000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस करवानी है। तो जो फर्स्ट वाली होगी वो 7,000 के बाद होगी? वो फर्स्ट वाली इन्होंने 1,000 से 2,000 के बीच में मेरे को बोला हुआ है, और उसके बाद हर 7,000 किलोमीटर के बाद। और इसकी एक ऐप है जो की मैं आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देयर इज एन ऐप आल्सो फॉर द कार,
ये देखिए, एक ये टाटा मोटर्स की तरफ से एक ऐप मिली हुई है मुझे। ओके। इससे आपको सब कुछ एक गाड़ी का पता लगता रहेगा। इससे आप रिमोटली इसका एसी ऑन कर सकते हैं, इसकी लाइट्स ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हुंडई में एक ब्लूलिंक का है ऑप्शन, एंड टाटा में भी एक जो है कनेक्टेड कार का है फीचर। तो गाड़ी में क्या इनबिल्ट कोई कनेक्टिविटी के लिए कोई सिम कार्ड है जिससे इसकी लोकेशन एंड ऑल शो करती है? हाँ, इसके अंदर एक सिम कार्ड है जिससे हम इसकी लोकेशन और इसका जो भी इसका बैटरी बैकअप है जो वो सब कुछ ओके 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 एब्सोल्युटली वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम टाटा। कनेक्टेड कार तो आज के डेट में होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में गाड़ियाँ भी आजकल जो है चोरी हो रही है, लेकिन फिर उसके बाद भी मतलब कनेक्टेड कार रहे तो इट इज़ एन एडेड सेफ्टी फीचर। हम बात करेंगे दीपेश सेफ्टी के रिलेटेड, इस कार में आपको कितने एयरबैग्स का है ऑप्शन टॉप मॉडल में एंड ये मॉडल में? इसके अंदर जो मेरा है टॉप से थोड़ा सा नीचे वाला मॉडल है, एक नीचे वाला एग्जेट प्लस है ये। हाँ, एग्जेट प्लस, और इसके अंदर मेरे को दो एयरबैग्स मिले गए, एक यहाँ पर है एक वहाँ पर। ओके, टू एयरबैग्स है। सबसे अच्छी बात जो है इस गर्मी में ईवी में बैठ के रियर एसी वेंट्स का जो मज़ा है वो यहाँ पे भी सेम ही फील हो रहा है। मतलब मेरे को ये थोड़ा सा था कि गाड़ी जो है वो शायद से ईवी होने के कारण थोड़ा सा कूलिंग में या तो मतलब एसी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लो होगा, बट हाँ हम स्टैंड स्टिल है अभी एंड गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर इज़ अराउंड 35 एंड विद इन 2 मिनट्स जो है गाड़ी ने मुझे एकदम ही ठंडा कर दिया। एंड जो इंटीरियर का टेम्परेचर है इट इज़ नाउ आई गेस समवेयर अराउंड 24 और समथिंग। आई एम एब्सोल्युटली फीलिंग वेरी रिलैक्स, द बैक सीट इज़ वेरी नाइस, कुशनिंग इज़ अ लिटिल बिट ऑन द फर्मर साइड बट येस स्पेस इज़ गुड एंड रियल रियर पे पार्सल ट्रे वाइपर एवरीथिंग इज़ द यू गेट हेड देयर बट फिक्स्ड टाइप। आर्मरेस्ट का है नहीं ऑप्शन, बट हाँ मेरे हिसाब से इस कार में 4 एडल्ट्स एंड 1 जो है चिल्ड्रन के लिए ही है यहाँ पे स्पेस। बट यस द इंटीरियर इज़ वेरी प्रीमियम एंड यू गेट लार्ज विंडो एरियाज, कोठुक भी है। तो टाटा ने जो है ना छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत मतलब काम किया है। तो ये है टाटा नेक्सॉन ईवी का जो पैसेंजर साइड का है व्यू, ये है। तो यहाँ पे आप जो है बड़े बड़े एसी के वेंट्स मिलते हैं, पावर विंडोज़ है, क्रोम हैंडल्स भी है। मतलब ये गाड़ी कहीं से भी प्रीमियमनेस को छोड़ने के मतलब इरादे से मार्केट में नहीं आई है। तो अभी हम चलेंगे टाटा नेक्सॉन के अंदर एंड करेंगे इस गाड़ी का थोड़ा सा जो है राइड एंजॉय। तो इस गाड़ी में पहले जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो है कि इसके डोर्स, जो डोर्स है वो बहुत ही वाइड ओपन होते हैं। अभी बैठेंगे नेक्सॉन के अंदर। तो दीपेश पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं? मतलब इसमें एक बटन दिया हुआ है, एक आप उसको एक बार दबाएंगे तो इसका थोड़ा सा इग्निशन ऑन हो जाता है, और उसके बाद इसको ब्रेक दबाकर अगर आप इसको सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो वो ईवी लिखकर और कार बनी हुई आती है, और उसके बाद वो जब रेडी आ जाता है मतलब गाड़ी जो है चलने के लिए स्टार्ट है वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर रेडी लिखा हुआ है। ओके ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो स्क्रीन पे है ना वहाँ पे आपको रेडी शो होगा, उसके बाद द कार विल बी एक्चुअली मूविंग। तो इसको मूव करने के लिए आपको डायल पे आई गेस डी पे ब्रेक दबाकर ड्राइव मोड पे लाना होगा उसको। ओके, वहाँ ड्राइव डी लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो वहाँ स्क्रीन पे डी जो है आ गया है। एंड इस कार में क्रीप वाला फंक्शन भी होगा शायद, जो ब्रेक से हम लोग पैर हटाते हैं फिर वो अपने आप चल पड़ेगी अपने आप ही। ओके, द कार हैज स्टार्टेड मूविंग। कोई भी भाई, ये तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं फ्यूचर में हूँ एंड गाड़ी में कोई भी साउंड नहीं है, हल्की सी भी है, मतलब बैटरी पे चल रहा हूँ मैं, एक मतलब अजीब सी मतलब खुशी सी हो रही है। विजिबिलिटी की बात करूँगा फ्रेंड्स, तो विजिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली वेरी नाइस। जो आपका 360 व्यू है फ्रॉम द विंडस्क्रीन, फ्रॉम द रियर ग्लासेस, फ्रॉम द रियर व्यू मिरर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। दीपेश, इस कार में आपको कुछ फील होता है कि पेट्रोल है नहीं एंड कहीं पे नहीं, पावर नहीं, का लैग एंड ऑल? इसमें पेट्रोल का ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि आप चला रहे हैं और टेंशन फ्री है कि इसमें आप चलो आपको पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ेगा और 102 रुपए पर लीटर वाला पेट्रोल नहीं भरना। हाँ, जो ये बात है ये तो हर एक जन है, बट कहीं ना कहीं आपको ये क्या फील होता है कि इस गाड़ी में थोड़ा पावर थोड़ा सा लैग है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो इससे पहले वरना थी मुझे लगता था वो बहुत
ही शानदार कार है और वो है भी सही, बट इस गाड़ी ने उसको भी पीछे छोड़ दिया और मतलब इसका पावर है इतनी वरना से भी ज्यादा इसके अंदर पिकअप है, और अगर इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया जाए और फिर चलाया जाए तो बहुत ही मतलब अनकंट्रोलेबल भी हो, मतलब हो जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब आप एक खाली रोड पर हों। अच्छा, तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स मोड में जैसे आप लोग डाल देते हो तो इसमें कुछ मतलब बैटरी का जो है आपका रेंज वो तो कम हो ही जाता होगा। हाँ, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो ये बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगी और आपको कम डिस्टेंस चलाएगी। ओके, और बट आपको जो पिकअप होगा, आपका जो पेस होगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनली ये चीज है कि मतलब इस गाड़ी को कोई भी नॉर्मल जो है आदमी ड्राइव कर सकता है, मतलब इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या फिर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बंदा एक ऑटोमेटिक गाड़ी अगर चला चुका है या चलाता है तो वो आराम से इस गाड़ी को चला सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी है कि मेरे को गियर कैसे शिफ्ट करना है, बट उसकी भी दो तीन दिन में आदत पड़ जाएगी। ओके ओके, सो ये एकदम मतलब बेसिक सी कार है, मतलब ये नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है जैसे भी, बस थोड़ा सा यूज टू होना है, जैसे पेट्रोल डीजल में आपको थोड़ा सा मतलब थ्रस्ट जो है वो लेट मिलता है, इसमें शायद वो एकदम फटाक से मिल जाता होगा। ओके ओके, सो फ्रेंड्स तो हमारी राइड जो है कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे टोटल हमने 360 एक टर्न लिया जहाँ पे छोटा मोटा मतलब बम्स भी थे हमारे सोसाइटी के अंदर। तो कंफर्ट के मामले में ये बहुत ही अच्छी है, मतलब ये तो फील नहीं हो रहा है कि कोई मतलब अजीब सी कार में मैं बैठ गया हूँ। अल्टीमेटली दीपेश ये बताएं कि इस गाड़ी को लेके आप हैप्पी हैं कि सेटिस्फाइड जैसे फील कर रहे हैं? नहीं, इस गाड़ी को लेके मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ या कहीं पर भी और एक्टिविटीज के लिए जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, ओके, मेरी गाड़ी में बैटरी है, ठीक है, मैं कहीं कहीं पर भी जा सकता हूँ। और अगर मेरी गाड़ी में बैटरी नहीं भी है तो मैं रात को उसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ और सुबह उठ के मेरे को ये फुल चार्ज मिलती है। ओके, दैट इज नॉट एन इशू अब कि मेरे को पेट्रोल देखना पड़ेगा या कुछ भी खर्चा देखना पड़ेगा कि मैं कितनी दूर ट्रेवल कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब पॉकेट फ्रेंडली तो हो गई है। ओके, सो चार्जिंग की बात जो हम है दीपेश के चार्जिंग स्टेशन जो टाटा ने प्रोवाइड किए एंड कहाँ से कैसे उसने मतलब चार्जिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। फिलहाल के लिए हम देखना चाहेंगे गाड़ी के जो मतलब मेन जो हार्ट है, जो गाड़ी का इंजन तो नहीं मतलब बोनेट के अंदर क्या है वो हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। ये है नेक्सॉन ईवी का जो मतलब इंजन बे तो नहीं कह पाऊंगा मैं, मोटर बे जो है आई कैन सी ये एक नॉर्मल कार से थोड़ा सा है अलग, मतलब नॉर्मल कार में आपको यहाँ पे जो है इंजन जो है बिल्कुल विजिबल होता है। बैटरी तो हमारे जैसी ही है जैसे कि हम लोग कार ड्राइव करते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ईवी जिप्ट्रॉन। भाई आप पैसे दे रहे हो जो जो चीज़ के लिए वो आपको दिखनी भी चाहिए। तो इसके अंदर आई गेस एक बस मोटर है एंड पता नहीं इंजीनियरिंग तो वो टाटा लोग ही बोल पाएंगे, टाटा के लोग, बट हाँ बहुत ही मतलब क्लीन एंड न्यू जनरेशन की है ये लुक, एब्सोल्युटली ऑसम। दीपेश तो फाइनली हम लोग देखना चाहेंगे आप इस गाड़ी को कैसे चार्ज करते हो एंड इस गाड़ी को चार्ज करने में आपका फुल चार्ज होने में कितना टाइम, वो सब एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप हमें शेयर करें प्लीज़। देखिए, टाटा वालों ने जब ये गाड़ी दी उसके दो दिन बाद ही मेरे पास टाटा वाले आए और मेरे पास चार्जिंग स्टेशन लगा के गए। एक्चुअली चार्जिंग स्टेशन में कुछ होता नहीं है, और उनका एक सॉकेट होता है और उसके ऊपर एक एमसी लगी होती है, तो आपको उस सॉकेट में अपना चार्जर लगाना है और उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए छोड़ देना है। तो 0 to 100 होने में टाटा के चार्जर के साथ जो आपका फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है वो कितना टाइम में अप्रोक्सीमेटली ले लेता है? फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था तो मेरी बैटरी 7% पे थी। okay. हमने इसको पूरा डिस्चार्ज कर दिया था, 7% पर मैंने चार्जिंग लगाई थी, तो इसने करीबन 10 घंटे ले लिए थे चार्ज होने में। 10 घंटे चार्ज करने के बाद ये 250 किलोमीटर चल सकती है। 250 किलोमीटर तो ऑफिस कम्यूट के लिए ये बहुत अच्छा बहुत बेस्ट ऑप्शन है, मतलब पार्टनर हो पाएगा। अगर आप उसको वहाँ पर जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं या अपने छोटे मोटे काम के लिए किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आप अपने फोन के ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं कि कार में चार्ज है? हाँ, मैं 24/7 अपनी ऐप कभी भी खोलकर देख सकता हूँ कि वो उसमें कितना चार्ज है, कितने किलोमीटर की वो रेंज दिखा रही है, और हम कहाँ कहाँ तक की जर्नी कवर करते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। सो फाइनली हम लोग देखेंगे चार्जिंग स्टेशन एंड फिर उसके बाद वीडियो के कंक्लूजन में आएंगे कि क्या ये कार वर्थ इट है 16 लाख स्पेंड करके। ओनर से हम लोग जानेंगे, हमें भी
ये कार जो है मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ईवी होने के बावजूद मतलब इसमें कोई अजीब सी बात है नहीं, उल्टे जो है इसमें प्रोज ही प्रोज है आपके, मतलब पॉकेट में ये बहुत ही लाइट वेट रहेगा। एंड मेंटेनेंस की बात आती है तो टाटा वालों ने शायद इसमें दावा किया है कि एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार से ये आधे पैसे पे ये मेंटेन हो जाएगी। एंड बैटरी पैक पे भी 8 साल की वारंटी जो है टाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो वारंटी के मामले में आई गेस दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर टाटा ने कुछ लॉन्च किया है तो कुछ मतलब टेस्टिंग एंड ट्राइंग के बाद ही जो है हर चीज़ लॉन्च की होगी। ऐसे मैकेनिकल चीज़ें छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, लेकिन आई गेस ईवी लेना आज के डेट में कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जो है अपने पैसे एक रिस्क पे डाल रहे हो, बिकॉज दिल्ली में एटलीस्ट मैंने बहुत सारी ईवीज जो है घूमते हुए देखे हैं। एंड गाड़ी की जो प्रेजेंस है वो 16 लाख के मामले में बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। जो फीचर्स आते हैं इट इज़ वर्थ द एवरी मतलब रुपी यू स्पेंड ऑन इट। तो ये है टाटा नेक्सॉन की ईवी की जो है ये पोर्टेबल चार्जर, इसके साथ एक बैग भी आता है विच इज़ वेरी हैंडी, आप गाड़ी के साथ हमेशा रख सकते हो। ओके सो दीपेश, ये गाड़ी ये वाली जो मतलब पोर्टेबल चार्जर से कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? ये पोर्टेबल चार्जर जो है ये कंपनी ने हमारे अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है गाड़ी के साथ। अच्छा, और ये आपका 0 to 100 करने में लगभग 9 घंटे 10 घंटे ले लेता है। अच्छा, तो यही है वो चार्जर जिसकी आप बात कर रहे थे? तो आपके पास क्या यही एक है कि मतलब एक और भी है? नहीं नहीं, मेरे पास बस एक यही चार्जर है। उसके तो मैंने कुछ सुना था कि एक कुछ चार्जर है जिससे ये कार को चार्ज होने में 19 आवर्स के आसपास लगे, जो कि आप कभी बाहर जाओगे तो जैसे होटल वोटल में है स्टे तो वहाँ पे आप जो है चार्ज करने के लिए, वैसा कुछ है कि यही वाला लग नहीं, जाता नहीं, है? मेरे पास बस एक यही चार्जर है। इसके अलावा अगर आप कहीं टूर करते हैं तो कंपनी ने जगह जगह फास्ट चार्जर चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे आप जो है पे करते हैं, बार कोड से स्कैन कर और वहाँ पर फिर आप उसको पेटीएम से या तो फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और उसके बाद एक घंटे में वो काफी हद तक चार्ज हो जाता है। ओके 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 फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग गाड़ी को चार्ज करके थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि इसकी चार्जिंग की क्या है, एंड ओनर से जानेंगे कि ये इसको चार्ज करना कितना इजी एंड कोई भी चार्ज कर सकता है कि नहीं। दीपेश, हमने जैसे ये चार्जर को एक जो है गाड़ी के मतलब एंड में हमने कनेक्ट की है, दूसरा जो एंड है वो मतलब टाटा के लोग जो यहाँ पर डाल गए हैं, ये जैसे आप लोग देख सकते हो ये है एक मतलब। तो अब बस हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ एक MC यहाँ से अप करनी है। अच्छा, तो ये मैंने पर्सनल मीटर लगवाया था, अपना पर्सनल मीटर कि कितने घंटे में ये मतलब कितना बिल जो है कंज्यूम कर रहा है, एब्सोल्युटली वो चेक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आने के बाद आप इसका ये वाला बटन दबाएंगे। ओके, चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो कितनी परसेंट चार्ज हुई है वो देखने के लिए हमें क्या कार के गाड़ी के अंदर, ये ऐसे चार्जर में वो कुछ नहीं है। ओके, तो ये रहा वॉल का जो चार्जर यूनिट है, इसमें शायद से बैटरी का वो शो नहीं होता है कि बैटरी 100% है 50%, इसमें बस ये करता है कि व्हीकल जो है चार्जिंग करना स्टार्ट कर दी है, तो इट इज़ ब्लिंकिंग, तो मतलब गाड़ी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा नेक्सॉन ईवी का जो है ओनरशिप रिव्यू दीपेश से, एंड गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम लाजवाब है, एंड गाड़ी में कोई भी मुझे ऐसा कोई कॉन नहीं फील हुआ जो कि 16 लाख के प्राइस रेंज को जस्टिफाई नहीं करता है, तो एब्सोल्युटली फाइन। एंड आप ज़रूर इस कार को, आप अगर शहर में रहते हो जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे आप जो है अपनी नेक्स्ट कार परचेज करने से पहले ज़रूर नेक्सॉन ईवी को, क्योंकि नेक्सॉन ईवी ही है जो इस प्राइस रेंज में 16 लाख के रेंज में आपको एक ईवी ऑफर करती है आज के डेट में। हुंडई या तो MG में आएंगे तो आप 25 लाख के ऊपर ही आपके जो है सारे कार्स आते हैं। नेक्स्ट जो मेरी कार आएगी आई विल डेफिनेटली थिंक कि मैं एक ईवी और स्पेशली नेक्सॉन ईवी की ओर क्यों ना जाऊं। तो मेरी ओर से तो टाटा वालों के लिए एंड नेक्सॉन ओनर्स के लिए जो कि ईवी के हैं उनके लिए एक बड़ा सा थम्स अप है, क्योंकि वो जो है एनवायरनमेंट को एक मतलब पॉल्यूशन फ्री रखने में बहुत ही मतलब एक अपना हाथ जो है बढ़ा रहे हैं। एंड करते हैं आज की ईवी की रिव्यू, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा फील हुआ है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।